हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू बच्चा बाड़ी। माय सेल्फ आशीष पचवानी, और आज हम स्किल टेल में आज एक अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले है ना। वो टॉपिक ऐसा है ना कि भाई आपको लगेगा कि नहीं यार, ये मेरे साथ कभी ना कभी और कहीं ना कहीं हुआ है ऐसा कुछ। तो भाई ये टॉपिक कौन सा है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा टॉपिक का नाम। पहले एक अच्छी सी छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं। तो भाई क्या होता था जब हम छोटे थे ना, और आपके अगर कज़िन ब्रदर हैं, कज़िन सिस्टर हैं, या आपके सगे अगर कोई ब्रदर सिस्टर जो आपसे बड़े हो या छोटे हो, तो बचपन में ना हमसे एक चीज़ ये होती थी कि जब भी पापा रात को आते थे, और मान लो कि आज दिवाली है, तो पापा दिवाली की रात को हमारे लिए ना कुछ फायर क्रैकर्स मतलब कि कुछ फटाखे लेकर आते थे। तो भाई वो क्या होता था, फटाखे हम सब में इक्वली बढ़ते थे, है ना। थोड़े मुझे मिलते थे, थोड़े मेरी सिस्टर को मिलते थे, थोड़ा बड़े भाई को मिलते थे, वो सबके बीच में थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया जाता था। फिर क्या हुआ, भाई बड़ा हो गया, तो भाई ने कहा कि भाई अब हमें इन फटाखों की जरूरत नहीं है, आप दोनों छोटे हो, आप सेलिब्रेट करो। तो पहले जो फटाखे आते थे उसमें से 3 हिस्से होते थे, फिर जो फटाखे आते थे उसमें से 2 हिस्से होते थे। अब क्या होता था कि मुझे शौक था, मेरी छोटे सिस्टर को शौक था, बड़े भाई को शौक नहीं था, तो अब उसके 2 हिस्से होने लगे। फिर क्या हुआ, थोड़ा टाइम और बीता और बीता और बीता, और उसके बाद जो फटाखे आने लगे वो सिर्फ मेरी छोटी सिस्टर को मिलने लगे। मैंने और बड़े भैया ने मना कर दिया कि भाई हमें फटाखे नहीं चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में कभी कभी कुछ ऐसा भी होता था कि अब जब हम छोटे होते थे और मेरी छोटी सिस्टर रोती थी, बहुत रोती थी, तो मम्मी क्या करती थी, वो छोटे से 10 रुपये निकाल के उसके लिए कुछ बिस्किट्स वगैरह लेकर आती थी और उसको चुपके चुपके खिला देती थी। फिर जब मुझे पता चलता था कि भाई मम्मी ने तो मुझे कुछ खिलाया ही नहीं, सिर्फ छोटे सिस्टर को दिया, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता था, यार ये मेरे साथ तो भेदभाव हो रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है कि यार आपको मम्मी पापा ने कोई चीज़ दिलाई हो, या छोटी सिस्टर को कोई चीज़ दिलाई हो और आपको कि नहीं मुझे भी चाहिए? ऐसा एक बार ऐसा हुआ था कि भाई मेरे बड़े ब्रदर हैं, उनको पापा ने लैपटॉप दिलवाया था जब वो कॉलेज में थे। तो भाई मैं भी जिद करने लगा था, मैं भी रो रहा था, भाई मुझे भी लैपटॉप चाहिए, मैं भी गेम खेलना चाहता हूँ, मैं भी लैपटॉप का यूज़ करूँगा, है ना, मुझे भी उसमें टाइपिंग सीखना है, मुझे भी काम करना है। तो भाई ये बात हुई कि बट पापा ने क्या कहा था कि अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें लैपटॉप मिलेगा, तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएगी, मोबाइल भी मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। तब ऐसा लगता था कि यार नहीं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है ना, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मुझे डिमांड करनी है, भाई मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे भी ये चीज़ चाहिए। तो बचपन में हम जिद पे अड़े रहते थे। तो बेटा हम जब तक छोटे थे तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कौन पूरा करता था, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो मम्मी या पापा पूरा करते थे। लेकिन एज अ सिटीजन मतलब हम हमारे देश के नागरिक हैं, तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कौन पूरा करता है ना। सोचो जैसे कि अगर सुबह आप उठे हो, आपके घर के बाहर जो कचरे का डिब्बा है वो एकदम भर चुका है। अब आपको पता चले कि यार ये कचरे का डिब्बा तो भर चुका है, तो इस कचरे को कहाँ डालोगे? और भी रोज़ सुबह कचरा निकलता है, जैसे मम्मी कुछ फूड पैकेट्स लाती तो उसके वेपर्स आते हैं, सब्जियाँ लेकर आते हैं तो उसका कचरा निकलता है, घर की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते तो उसमें कचरा निकलता है, तो वो एक एक डोल में इकट्ठा हो चुका है, एक बर्तन में इकट्ठा हो चुका है कॉर्नर में, है ना। अब सवाल ये है कि उस कचरे को लेकर कौन जाएगा, वो कचरा यहाँ से जाएगा तो कहाँ जाएगा, है ना। आप रास्ते पर जा रहे हो, आपको पता चले रास्ते पर लाइट से ऑफ है, अंधेरा है, आपको गाड़ी लेकर 15-20 किलोमीटर तक जाना है, तो वो रास्ते पर लाइट्स कौन प्रोवाइड करेगा? बात समझ में आ रही है? अब रास्ते पे 4 रास्ते पे अटके हुए हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, कोई यहां से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है, तो भैया ट्रैफिक का सॉल्यूशन कौन लाएगा, कौन लोगों को डायरेक्शन दिखाएगा, है ना। भैया आप रास्ते में कहीं जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको पैर में बहुत चोट आई है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो भाई ये ब्लीडिंग हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन हमें इस बीमारी से बाहर कौन लाएगा, मेरा इंजरी जो हुआ है उसका ऑपरेशन कौन करेगा, है ना। तो आप कहोगे डॉक्टर करेगा, तो अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हूँ तो डॉक्टर मेरे से बहुत सारा पैसा ले लेगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, दैट्स ऑल। तो ये जितने भी सवाल पूछे ना मैंने कि हमारे घर पे जो कचरा आता है ये कौन लेकर जाता है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ लोग आते हैं जो सुबह लेकर जाते हैं। वैसे ही मुझे रास्ते पर जाना है तो मुझे स्ट्रीट लाइट्स चाहिए, रोड पर लाइट चाहिए, लाइट कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। वैसे ही मुझे इंजरी हो गई, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे उन इंजरी का जो ऑपरेशन का खर्चा है वो कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट डॉक्टर्स मेरी हेल्प करेंगे, है ना। कोई छोटा सा बच्चा है, कोई लेबर है, जो मजदूर हैं, जो किसी जगह पे किसी साइट पे काम कर रहे हैं, किसी की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं 3-4 साल के 5 साल के, उनको एजुकेशन लेना है लेकिन उनके मॉम डैड के पास पैसा नहीं है, तो उनको पढ़ाएगा कौन, उनको पढ़ाएगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उनको एजुकेशन देगी। सो कहने का मतलब बेटा, इन सारी चीज़ों पे हम सबका
इक्वल राइट्स है। जैसे हमारे घर में कोई चीज आती थी तो हम कहते थे ना ये मेरी मेरे मेरे सिस्टर में और मेरे ब्रदर में तीनों में इक्वली बटेगी, वैसे ही गवर्नमेंट जो हमें सर्विस देती है वो हम सब में इक्वली डिवाइड होगी, चाहे गार्डन हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, रोड हो, है ना, जितनी भी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं, प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और हम सबको इक्वल प्रोवाइड करती है ना। जितना आपका गवर्नमेंट के ऊपर हक है उतना ही आपके पड़ोसी का, आपके मॉम डैड का, आपके स्कूल में आसपास जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबका इक्वली राइट्स है ना। तो भाई इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत इन डेप्थ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सब इक्वली चाहिए जिसमें कोई भेदभाव ना हो। तो भाई अब चैप्टर का समझ में आ गया होगा कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। यस, हमारे चैप्टर का नाम है भाई इक्वालिटी, है ना। जहां पे आज आशीष सर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, इक्वालिटी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। आज भी बेटा हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इनजस्टिस होता है, मतलब कि इन इक्वालिटी होती है। क्या होती है बेटा? इन इक्वालिटी। तो ये भाई इन इक्वालिटी क्या होती है? तो भाई समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्या नहीं मिलता, तो दो टाइम का खाना नहीं मिलता, फूड नहीं मिलता, वाटर सप्लाई नहीं मिलता, रहने के लिए गर्ल शेल्टर नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, उसके बाद और क्या क्या नहीं मिलता बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, शेल्टर, फिर ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं मिलती। ड्रेनेज फैसिलिटी मतलब टॉयलेट फैसिलिटी, वॉशरूम फैसिलिटी, है ना। तो ये फैसिलिटीज नहीं मिलती। और कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जिनको सारी फैसिलिटी मिलती है, उनके पास बहुत पैसा है, बंगला है, गाड़ी है और बहुत रिच भी हैं। तो भाई ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या शो कर रहा हूँ मैं, इनइक्वालिटी। क्या शो कर रहे हैं हम इन दोनों के बीच में? इनइक्वालिटी। हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी में जो पहले दो शब्द हैं, कौन से दो शब्द, इन इक्वालिटी में जो इन है इसको हटाना है और हम सबको ये सारी सर्विसेज इक्वल मिले, सही मात्रा में मिले, सही तरह से मिले, बराबर की मिले, ये चीज़ पे हमें फोकस करना है। चलो भाई बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? अभी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो ओके। तो भाई इन इक्वालिटी नहीं करनी हमें सबको। जैसे घर में पहला इक्वल चीजें मिलती थी, वैसे भी हम लोग सोसाइटी में इक्वल चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भाई शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन तो समझ लिया कि भाई इक्वालिटी क्यों जरूरी है और इक्वालिटी किन किन चीजों में नहीं है सोसाइटी में। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा है ना, हमारे इंडिया में एक चीज है बेटा कि लोग जाति पाति के नाम पे बहुत लड़ते हैं कि भाई तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम नीची जाति के लोग हो। हाँ बेटा ये चीज फैक्ट है, है ना, ये चीज़ एकदम ट्रूथ है। छोटी जाति के होने की वजह से लोगों को दो वक्त का खाना नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, तो ये प्रॉब्लम्स होती है ना। ऐसे बहुत सिचुएशंस होते हैं बेटा, गांव के अंदर आप चले जाओ, साउथ इंडिया में चले जाओ, नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, इंडिया के किसी ना किसी विलेज में चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी विलेज में बेटा ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी जहां पे जो फार्मर्स हैं, जो साफ सफाई करने वाले वर्कर्स हैं, जहाँ जो वेजिस पे काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, ऐसे सारे जितने भी छोटे छोटे लोग हैं जो छोटा बड़ा काम करते हैं, इनको कहीं ना कहीं इनजस्टिस मिलता है, इनके साथ इन इक्वालिटी होती है। गांव के अंदर आप चले जाओगे तो आपको बड़ा इलेक्ट्रिसिटी कम मिलेगी, कहीं भी पीने लायक पानी नहीं होगा, किसी के पास सही तरह से फूड नहीं होगा। तो भाई ये प्रॉब्लम आज भी गांव के अंदर है, इंडिया इतना डेवलप्ड हुआ फिर भी। बट इससे पहले बेटा हम हमारे कुछ राइट्स जानते हैं कि भाई हमारे कौन कौन से हक हैं। जैसे बचपन में आप करते थे ना, मम्मी ने अगर छोटी सिस्टर को 10 रुपीज दे दिए तो आप कहते थे मुझे भी 10 रुपीज चाहिए, उसको दिया तो मुझे भी दो, मेरा भी हक है। तो भाई ये हक है, आपका राइट है भाई, मम्मी उसको देती है तो मुझे भी देगी, क्यों नहीं देगी, मुझे भी तो 10 रुपीज चाहिए ना। तो भाई ऐसा ही सिमिलरली आपका गवर्नमेंट के ऊपर भी हक है। गवर्नमेंट अगर किसी इंसान को सर्विस दे रही है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ये सारी सर्विसेज आपको कहाँ पे मिलती है,
सिटी में, तो भाई विलेज वाले लोग हैं वो भी तो यही डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि भाई अगर आप सिटी वाले लोगों को ये राइट दे रहे हो तो हमें ये राइट क्यों नहीं मिलता, ये हक भी हमें मिलना चाहिए। ओके तो भाई हमारे कुछ राइट्स हैं एज ए इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक होने के नाते हमारे संविधान में, संविधान मतलब क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस के टाइम कुछ नियमों की बुक बनाई थी, है ना, जिसमें कुछ बेसिक नियम लिखे थे भाई कोई छोटा से छोटा इंसान हो तो उसको कौन सा हक मिलना चाहिए, और ये नियम पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं। जो बेसिक नियम मैं आपको बताने वाले हूँ, जो हर एक कंट्री में आप जाओगे तो आपको ये बेसिक नियम मिलेंगे, पर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि अगर आप भारत में हो तो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया के। तो भाई सबसे पहला राइट कौन सा है, अच्छा ये स्किप हो गया, चलो सबसे पहला राइट कौन सा है, सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। हम सबके बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम सब कैसे हैं, इक्वल हैं, हमारा भारत का संविधान हम सबको इक्वल मानता है, चाहे आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर आप एक छोटे से क्या हो वर्कर, दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। हालांकि जिसको नहीं मिलती वो लोग किस चीज़ की डिमांड करते हैं, जस्टिस के, भाई हमें हक नहीं मिलता, हमें हक मिलना चाहिए। दूसरा राइट टू फ्रीडम मतलब कि आज़ादी, आप भारत के किसी भी राज्य में किसी भी स्टेट में जा सकते हो, घूम सकते हो, अलग अलग प्लेसेस को विजिट कर सकते हो, खा पी सकते हो, और अगर आपको लगे कि मुझे अब, मैं अगर मान लो गुजरात में रह रहा हूँ, मुझे राजस्थान में जाके अपना घर बसाना है, मैं अपना घर वहाँ पे खरीदना चाहता हूँ, तो राजस्थान में भी जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा बिजनेस हैदराबाद में सेटअप करना है, पुणे में सेटअप करना है, मुंबई में जाके रहना है, आपको जो चाहे आप उस जगह पे जा सकते हो। ओके देन अगेन राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या है, अगर कोई इंसान आपको मार रहा है, पीट रहा है, टॉर्चर कर रहा है, मेंटली और फिजिकली आपको हरेस्ट कर रहा है, मेंटली और फिजिकली ऐसे क्या ना, आप रास्ते पे जा रहे हो, किसी इंसान ने आपको बहुत मार दिया, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो, है ना, कोई इंसान आपको रोज टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, है ना, स्कूल ट्यूशंस में, घर में, आसपास में, कोई भी इंसान, आपकी चाहे उम्र कितनी भी हो, कोई इंसान अगर आपको एक्सप्लोइट कर रहा है, आपका शोषण कर रहा है, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, जस्टिस मांग सकते हो। भाई ये आपका क्या है, हक है, ये आपका राइट है। दूसरा बेटा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको जो चाहे वो धर्म आप अपना सकते हो। मानो अभी आपका धर्म हिंदू है पर आप चाहते हो कि मुझे मुसलमान धर्म अच्छा लगता है, मुझे मुस्लिम बनना है, तो आप भी अडॉप्ट कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। सिमिलरली अगर आपको मान लो कि आपको पारसी बनना है हिंदू में से, तो पारसी बन सकते हो, पारसी में से आपको मुसलमान बनना है तो बन सकते हो, मुसलमान में से हिंदू बनना है तो बन सकते हो, मुसलमान में से पारसी बनना है तो भी बन सकते हो, मतलब आपको कोई भी धर्म अपना बदलना है तो कोई आपको मना नहीं करेगा। फिफ्थ नंबर है बेटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, बेटा आप अपना कल्चर फॉलो कर सकते हो। कल्चर मतलब हमारी क्या है, संस्कृति, कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति। अब कौन सी संस्कृति, जैसे बेटा अगर हम गांव में जाते हैं तो हम पुराने पुराने कपड़े पहनते हैं, अच्छा जो दाल चावल सब्जी रोटी ये खाते हैं, तो आपको कोई मना नहीं करेगा, ये आपका कल्चर है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे राजस्थानी डांस अच्छा लगता है, मैं डांस करूंगा, तो फॉलो करो भाई। आपको होली खेलनी है तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, कोई नहीं रोकेगा। गुजरात में आए भाई गरबा खेलना है, कोई नहीं रोकेगा। केड़ियू पहनना है, चनिया चूड़ी पहननी है, भाई आप कर सकते हो, किसी भी होटल में जा सकते हो। आपको लगता है मुझे भारत का कल्चर अच्छा नहीं लगता, मुझे इटालियन फूड खाना है, फ्रेंच फूड खाना है, जीन्स टी शर्ट पहन कर घूमना है, तो भी आप कर सकते हो, आपको पूरा हक है। आप भारतीय संस्कृति को फॉलो कर सकते हो, अलग अलग देश के कंट्री की जितने भी कल्चर्स हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो। और एजुकेशनल राइट बेटा, इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक रूल बनाया है, 14 साल से कम उम्र की बच्चों को या 14 साल की एज तक हर एक चाइल्ड को कैसा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, फ्री। अब आप कह रहे हो सर हम तो फी भरते हैं, हम तो स्कूल में पेमेंट देते हैं, तो भाई हमें कहाँ से फ्री एजुकेशन मिला,
तो बेटा ये रूल अप्लाई होता है गवर्नमेंट स्कूल के लिए। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ोगे तो आपसे कोई फी नहीं लेगा, ऊपर से आपको बुक्स फ्री में मिलेंगी, एक वक्त का नून में खाना मिलेगा, आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, बैग मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो एजुकेशन वहाँ पे भी यही है। बट लोग प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि प्राइवेट स्कूल में हायर एजुकेशन है, नॉलेज अच्छा है, वहाँ पे एटमोसफियर अच्छा है। ये बात सच है बेटा, प्राइवेट स्कूल में आपको एटमोसफियर अच्छा मिलता है, वहाँ पे फैसिलिटी अच्छी मिलती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, इसलिए लोग प्राइवेट एजुकेशन लेते हैं। लेकिन बेटा गांव में जो लोग रह रहे हैं, जिनको एजुकेशन चाहिए, बेसिक एजुकेशन में क्या है, हमें लिखना आना चाहिए, ये पढ़ना आना चाहिए, और हम हमारी साइन कर सकें, किसी से बात कर सकें, यही तो एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब क्या है? लिखना पढ़ना, चीज़ों को समझना, है ना, बातों को अंडरस्टैंड करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, तो इसलिए एजुकेशन दिया जाता है। तो एजुकेशनल के बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मायने नहीं रखता, बड़ी स्कूल हो या किसी एक पेड़ के नीचे बैठ के आप पढ़ रहे हो, डजंट मैटर। आप क्या सीख रहे हो और कैसे सीख रहे हो ये इम्पॉर्टेंट है, है ना। तो भी गवर्नमेंट का यही एक राइट है, गवर्नमेंट आपको यही चीज़ प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट आपको कहती है भी तुम पढ़ो, फ्री में पढ़ो, हम पैसा देने को तैयार हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत पहले बहुत ख़राब थी, अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बेटा कोई इंसान आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई इंसान आपको ऐसा बोल रहा है कि तुम घर में रहो, बाहर मत जाओ, मैं बोलूँ ऐसा करो, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब ये होता है कि आप इन पांचों में से जितने भी हक हैं, अगर कोई इंसान आप में से इस पांच में से कोई भी हक यूज़ करने से आपको रोके, कोई आपको धर्म परिवर्तन करने से रोके, या जानबूझ के आपका धर्म परिवर्तन करवाए, कोई आपको परेशान करे, तो इसके लिए आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? अपनी इंडिया की सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो वे भारत की सबसे बड़ी कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगर आपको कोई ये पांच हक रोके यूज़ करने से, तो आप डायरेक्ट दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो, वहाँ पर जाकर जस्टिस मांग सकते हो। चलो भाई, समझ में आ रहा है, चीज़ें सही तरह से चल रही हैं। तो ये हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स पढ़े बेटा। इसमें से एक राइट है बेटा, राइट टू वोट, है ना बेटा। चाहे आप विलेज से बिलोंग करो या फिर आप सिटी से बिलोंग करो, आप सभी का एक राइट है वोट करना। अब सवाल ये है, वोट कौन कर सकता है और वोट करना क्यों है और वोट करना किसे है? अरे सर, इतने सारे सवाल मत पूछो, अच्छा एक एक करके पूछते हैं कि भाई वोट क्यों ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि आपके घर के अंदर आपको इक्वली चीज़ें कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? मॉम या डैड। तो आपसे वो बड़े हैं, वो आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, वो आपको चीज़ें समझा रहे हैं। वैसे ही हमारी जो इंडिया है इतनी बड़ी, उसको चलाने के लिए भी, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चलाने के लिए लीडर चाहिए। क्या चाहिए? एक लीडर जो हमसे समझदार हो, जिसको काम करना आता हो, जो गवर्नमेंट संभाल सके, है ना, जिसको हम थोड़ी बहुत सैलरी देते हैं। तो उस लीडर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। हम कौन? मतलब भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं वो वोट करके सिलेक्ट करते हैं, और वोट करके जिस इंसान को सिलेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट को चलाता है, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कचरा ले जाना, तो वो खुद नहीं लेके जाएगा, वो अपने नीचे अलग अलग लोगों को हायर करेगा, अलग अलग लोगों को काम देगा कि भाई तुम्हारा ये नॉलेज है तो तुम ये काम करो, तुम्हारा ये नॉलेज है तुम ये काम करो। वो सबको संभालेगा, सबका ध्यान रखेगा, मतलब हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करेगा हमारा लीडर, और उसको हम क्या करेंगे? वोट देके सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा हक है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते बेटा कि किसी इंसान को लालच में आके वोट दे दिया, भाई ये इंसान मुझे पैसा दे रहा है मैं इसको वोट दे दूँ, ऐसा नहीं करना। और वोट कभी बेटा भेदभाव से नहीं होना चाहिए कि भाई ये मेरे धर्म का है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये पैसे वाला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये छोटी जाति का है, ऐसा भेदभाव नहीं करना। भाई हिंदू है तो हिंदू को ही वोट करेगा, मुसलमान मुसलमान को वोट करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट उस इंसान को करना चाहिए जो सच में देश के लिए, आपके लिए काम करे, दुनिया को बदले, आपकी सेवा करे, और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गटर भर जा रही है, पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ में इश्यूज़ हैं, है ना,
गांव में रहने के लिए जमीन कम पड़ रही है तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देगी, घर बना के देगी, खेती के लिए पानी नहीं आ रहा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है गवर्नमेंट सॉल्व करके देगी। तो ऐसे इंसान को आपको वोट देना है तो लिटरली तुम्हारी बात सुने, इससे आप वोट करो तो आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो। तो वो भी हम सबके बीच में से कोई एक इंसान होता है जिससे हम वोट देकर सेलेक्ट करते हैं। तो भाई वोट दे कौन सकता है? तो वोट वो इंसान दे सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, है ना, जो इंसान 18 ईयर से ज्यादा हो वो इंसान वोट कर सकता है। ओके, तो ये भी हमारा इक्वल राइट्स है। प्राइम मिनिस्टर होगा तो भी वो वोट करने जाएगा, और चीफ मिनिस्टर होगा तो भी वो वोट करने जाएगा। हर एक इंसान को वोट करने जाना है कंपल्सरी, है ना, इसी याद रखो, आपको जाना ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं आलसी जो वोट देने नहीं जाते, पर ऐसा नहीं करना है, वोट देने जाना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। और कोई अगर रोके तो कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इक्वालिटी इज द साउल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी मतलब हम सबको इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए। तो हमारे अर्थव्यवस्था मतलब हमारे इकोनॉमिक्स की, हमारे कंट्री की, हमारे देश की आत्मा है भाई, हम सबको वोट देना ही चाहिए। इक्वालिटी है भाई, कोई मना नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, है ना। डेमोक्रेटिक के बारे में हमने पढ़ा था, डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, मतलब लोग अपने में से ही किसी एक इंसान को लीडर सिलेक्ट करते हैं, और अगर वो सही काम ना करे तो उसको हटा देते हैं और किसी और को सिलेक्ट करते हैं। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आपको पूरी आज़ादी है ऐसा करने के लिए, है ना। तो इंडिया जैसी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे जो एडल्ट्स हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो वोट कर सकते हैं। और वोट करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लीडर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि भाई ये अनपढ़ है तो इसको वोट नहीं करना। हाँ, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर वो मैनेज कर सकता है, आपको लगता है तो उसको वोट करो, है ना। तो चाहे पर्सन एजुकेटेड हो या ना हो, रिच हो या पुअर हो, किसी भी कास्ट का हो, इन सारे भेदभावों से दूर रहकर उसको वोट करना है, है ना। और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि भाई एक इंसान 18 साल से है ज़्यादा उम्र का है, उस इंसान को वोट करने का राइट दिया है, और बिना किसी भेदभाव, जाति पाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, इन सारे भेदभाव के बिना कोई इंसान वोट करने जाता है तो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। चलो भाई ये चीज़ समझ में आ गई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब इंसान को वोट करने का अधिकार है। भाई आपके मॉम डैड जो हैं वोट करने जाते होंगे, मैं भी वोट करने के लिए जाता हूँ। आपके आसपास में जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके आसपास में जो आपके पड़ोसी हैं, वो भी तो वोट करने जाते होंगे भाई। तो भाई वोट करने के लिए इसीलिए जाना है कि भाई देश में एक अच्छा लीडर बने, तो भाई आगे से ध्यान रखना है। पहले क्या होता था बेटा, ये ऐसा मैंने आपको क्यों कहा कि जाति पाति और धर्म के भेदभाव के बिना वोट करना है, पहले इनइक्वालिटी होती थी, महाभारत के जमाने से चलती आ रही है भाई ये तो। जैसे पहले इंडिया में कास्ट सिस्टम थे जिसमें अलग अलग जातियां थी, ब्राह्मीण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, एंड सबसे लास्ट में दलित। ब्राह्मीण जो पूजा करवाते थे ये हमने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा है, क्षत्रिय जो युद्ध लड़ने जाते थे, राजा महाराजा जो पूरा राज्य संभालते थे, वैश्य मतलब कि फार्मर हो गए, ट्रेडर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, है ना, सब्जी बेचने वाला, ये वैश्य। शूद्र जो मजूर, छोटा बड़ा कोई भी काम कर लेता हो, रोड बना दी, घर बना दिया, छोटा बड़ा कोई भी काम, जो भी छोटा बड़ा काम आप दो सारा काम कर लेगा शूद्र। एंड सबसे लास्ट में दलित, है ना, जो रोड पे साफ सफाई करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे घर पे जो कचरा या कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, है ना, जो ऐसा काम करते हैं जो हमें करने में थोड़ा शर्म आती है, बट एक्चुअली में इनका काम अप्रिशिएटेबल है बेटा। अगर ये लोग कूड़ा नहीं उठाएंगे, ये लोग हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी हेल्प नहीं करेंगे, सोचो बेटा एक 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 आपके घर पे 3 या 4 दिन या 1 महीने तक कचरा रहे तो घर की क्या सिचुएशन होगी। तो दे आर आवर हेल्पर हैंड्स, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले उनको बहुत ही नीचा माना जाता था, गांव से अलग रखा जाता था, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। तो ये क्या है? अनइक्वालिटी, जो पहले भी होती थी पर अब नहीं है।
क्यों नहीं है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यह कहता है कि अब सारे इंसान इक्वल है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वर्कर हो, दलित हो, टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, ट्रेडर हो, फार्मर हो, सब कैसे हैं? यस, इक्वल। सो देर आर सर्वेबल काइंड्स इन इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। पहले हमारे भारत में ऐसी बहुत अनइक्वालिटी थी, हजारों सालों पहले भी ये कास्ट सिस्टम चलती थी और इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था, है ना। तो अभी ये नहीं होना चाहिए और ना ही अभी ये होता है, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी गाँव में ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे लोगों के साथ क्या होती है, अनइक्वालिटी। दूसरा बेटा, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। एक्चुअली में मैं पढ़ा रहा हूँ इक्वालिटी, बट एग्जाम्पल्स इन इक्वालिटी के दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है जिनके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। तो एक तो राइट टू वोट में इक्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा, दलित जो है, जो साफ सफाई कर्मचारी हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिनको ना तो सही तरह से पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलता है, ना गाँव के अंदर रहने के लिए उनको घर मिलता है, ना उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, है ना, ना ही उनको अच्छा फूड मिलता है, बेचारे रोड पे रहते हैं, झुपड़पट्टी में रहते हैं, इनकी हालत बहुत बुरी है बेटा। तो ये जो दलित हैं, है ना, इनको हक मिले इसलिए संविधान बना गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि जो भी हजारों सालों पहले नियम थे वो ना हो। हजारों सालों पहले समझ नहीं थी, आज तो समझ है ना भाई कि ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। तो भैया इंसान की ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, और चौथा नंबर मैंने ऐड किया है रोटी, कपड़ा, मकान और वाईफाई। हाँ भाई, वाईफाई के बिना नहीं चलता आजकल तो। सो भाई रोटी, कपड़ा, मकान तो चाहिए, वाईफाई हो या ना हो। सो जो लोअर कास्ट के लोग हैं, दलित, इनका पहले शोषण होता था जैसे मैंने आपको बताया, और इनके साथ भेदभाव होता था। भेदभाव को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेट। इनके साथ ऐसा होता था बेटा, मंदिर में नहीं आने देते थे। अगर गांव के अंदर ऐसे तीन चार दलित के लोग हैं, मान लो कि 500 लोगों का गांव है और चार पांच दलित हैं, तो इनको गांव के बाहर कोई छोटी सी झुपड़पट्टी के आसपास जगह दे दी, गटर के आसपास जगह दे दी, है ना। तो दलित मतलब या तो नीची जाति के लोग मानते थे इनको, या फिर ब्रोकन, ऐसे लोग जो बेचारे टूट चुके हैं लड़ लड़ के, गवर्नमेंट से अपना हक मांग मांग के थक चुके हैं बेटा, है ना। ये अनप्रिविलेज क्लास है बेटा, ये ऐसी प्रजाति है जिनको अभी तक बेटा हम लोग सही तरह से ना तो एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए हैं, ना ही हमारी गवर्नमेंट बेसिक ज़रूरत पूरी कर सकती है इनकी। पर रोटी है, कपड़ा है, मकान है, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, तो ये सारी चीज़ें बेटा आज भी इनको नहीं मिलती। तो भाई ये चीज़ बहुत गलत है, आप देख सकते हो कि अच्छा ये सेम टॉपिक रिपीट हुआ, ओके। तो भाई ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बेटा, इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। वैसे बेटा एक बुक लिखी थी, ये इंसान जो है इनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या नाम है भाई? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब हुआ क्या था ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ, यहाँ पे देखिए भाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना स्कूल में पढ़ते थे, बहुत छोटे थे, इनके पिताजी का काम भी ऐसे गांव में साफ सफाई का था। बट ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का इच्छा थी भाई मैं तो पढ़ूँ लिखूँ, बड़ा इंसान बनूँ, तो उनके पिताजी ने भी उनको कहा भाई जाओ तुम स्कूल में जाओ, स्कूल में पढ़ाई करो। वाल्मीकि जी स्कूल में गए तो सब सोचना ये कि क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि आज उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो भाई ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इक्वालिटी के बारे में मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, तो चीज़ें समझो बेटा, हमें पता लगे कि भाई पहले पास्ट में लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, और अगर ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए इक्वालिटी पढ़ाई जा रही है ना। लोग कहते हैं भैया हिस्ट्री क्या पढ़ना, सिविक्स क्या पढ़ना, तो भाई नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। रास्ते पे आप जा रहे हो, किसी इंसान ने आपको पकड़ लिया, किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया और कहा लाओ भी 500 रुपए का चालान काटते हैं, तो आपको नियम पता होने चाहिए भाई मैं बाइक लेकर जा रहा हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, मैंने हेलमेट पहना है, तो मेरे साथ फाइन क्यों, मेरे से फाइन क्यों ले रहे हो। ये आपका हक है, आप उनको सवाल पूछ सकते हो। जब पूछोगे, जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास किसी चीज की इंफॉर्मेशन होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं हूं ना, मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, स्किल टेल के साथ कनेक्ट रहना है। तो सिंपल सी चीज है बेटा, वाल्मीकि जी जो थे यहाँ पे, जिनका मैंने नाम लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनको उनके पिताजी ने बचपन में स्कूल में बिठाया। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक दिन उनके टीचर ने कहा तुम तो भाई बहुत ही छोटी जाति के लोग हो, एक काम करो झाड़ू उठाओ, पानी उठाओ और पूरे स्कूल की साफ सफाई करो, जितना भी बाहर ग्राउंड है साफ सफाई करो।
क्लास में बच्चे उनको देख के हंस रहे थे और वहाँ वाल्मीकि जी ओम प्रकाश जी बाहर साफ सफाई कर रहे थे और बचपन में ये चीज़ उनके दिल में बहुत घर कर गई, उनको बहुत बुरा लगा इस चीज़ का। और बड़े होकर इन्होंने एक अच्छा कामयाब पद हासिल किया, भारत में अच्छे खासे लेखक हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है जूठन, है ना। खुद साफ सफाई कामदार थे और इनकी ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसको अगर आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट या किसी के आसपास स्टेशनरी स्टोर में मिल जाती है तो उसको पढ़िए। तो बेटा ये था दलितों के साथ भेदभाव जो पहले भी होता था और शायद आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में बेटा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो जो दलित थे उनका शोषण होता था। दूसरा बेटा जो कास्ट है या फिर रिलीजियन, तो भाई कास्ट और रिलीजन में क्या फर्क है? तो देखो मान लो हम सब हिंदू हैं, तो हिंदू में पटेल हैं, मारवाड़ी हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मीण हैं। तो हिंदू क्या हुआ? रिलीजन। हिंदू क्या हुआ? धर्म। हिंदू क्या है? धर्म है। धर्म मतलब रिलीजन। जबकि ये ब्राह्मीण, राजपूत, मराठी या मारवाड़ी, फिर जितने भी हैं यहाँ पे पटेल, ये सारे के सारे क्या हुए? कास्ट। हिंदू धर्म है, वैसे ही मुसलमान धर्म है। तो बेटा धर्म के नाम पे भी पहले भेदभाव होते थे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है अंसारी का कि भाई अंसारी क्या करते थे, अंसारी के साथ भी भेदभाव हुआ था इस तरह से कि भाई उनको एक घर चाहिए था और वो घर लेने के लिए गए रेंट पे, लेकिन एक मैडम जी थी जो मालकिन थी, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तुम्हें घर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उन्होंने कहा भाई तुम तो मुसलमान धर्म के हो, हम तो सिर्फ हिंदुओं को ही घर रेंट पे देते हैं। तो भाई ये प्रॉब्लम होती थी, कहीं ना कहीं इश्यू होते थे रिलीजन को लेकर। तो भाई ये दोनों थे जिनके साथ कहीं ना कहीं पास्ट में क्या हुए हैं, इन इक्वालिटीज हुई है। सो भाई आज हमने इक्वालिटी में इतना ही पढ़ा, लेकिन इक्वालिटी के नाम पर हमने सारे इन इक्वालिटीज पढ़ ली। क्यों? क्योंकि हमें पता चले कि ऐसी इनइक्वालिटी सोसाइटी में है और उनको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। सो भाई थैंक यू सो मच। अब सोचना यह है कि नेक्स्ट लेक्चर में कि भाई ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है और अंसारी जी है, इनके साथ क्या हुआ, है ना, इनके साथ इनजस्टिस ही रहा जिंदगी भर या फिर उनको भी न्याय मिला, और मिला तो कैसे मिला, ये सारे क्वेश्चनों के आंसर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक वेट कीजिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।